हेलो एवरीवन इंटरनल सिक्योरिटी के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है पीएमएलए 2002 में आया था ये जो पीएमएलए अभी बहुत नाम सुनते हो इसका नाम क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था ये 2002 में आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी ये कब आया था टू में आया था रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस नोटिफाइड चेंजेस टू पी एम अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस ने पी एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं क्या ये बात सही है हाँ सही है पहले मतलब क्या था ना पहले बेल आपका राइट हुआ करता था यहाँ पे यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट पहले जैसे भारत का जो कानून है उसमें क्या होता है यू आर प्रू यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी ऐसा होता है ना कि जब तक आपको मान लिया ना जाए कि आपको सजा ना हो जाए तब तक माना जाता है कि आप इनोसेंट हो लेकिन पी में ये कर दिया गया है कि कुछ करो ना करो कुछ कोच कोच भी डाल दिया आप गिल्टी हो आपने किसी को कुछ बोल दिया अगर आपने बोल दिया कि हाँ मोदी जी चोर हैं तो इसका मतलब मोदी जी चोर हैं जब तक मोदी जी प्रूव नहीं कर सकते कि वो चोर नहीं है तब तक मोदी जी चोर रहेंगे तो ये पी है ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइड चेंजेस ऑफ पी तो ये चेंजेस किया गया और इसमें बिल मिलता नहीं न्यू रूल ऑफ पी एम एल ए टू थाउजेंड टू हैज ब्रॉड इन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स कैरिंग आउट फिनेंैंशियल ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स इन टू एमबी टॉप पी एम एल ए सो नया रूल क्या कहता है पी एम एल ए दो हज़ार दो का इसमें ये बोलता है कि जो अभी चार्टर्ड अकाउंट्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना या अभी जो कोई काम कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कंपनी सेक्रेटरीज हैं या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स हैं या जो कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पे वो सब पी एम एल ए के दायरे में आ जाएंगे एमबी ऑफ पी का मतलब होता है दायरे में उसके अंदर अधीन आ जाना उसके दायरे में आ जाना सो न्यू रूल ऑफ पी 2002 टू हैज ब्रॉट इन प्रैक्टिसिंग एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स कैरिंग आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ दर क्लाइंट्स एंड टू द एम्बिट ऑफ पी एम एल ए अंडर पी एम एल ए टू थाउजेंड टू फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट वुड बी कंसिड फॉर मॉनिटरिंग इन्क्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी सिक्योरिटीज़ और अदर एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटीज अकाउंट्स एट्सेट्रा तो जो जी पी एम एल ए में टू थाउजेंड टू में जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हुई थी ना वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या किया जाएगा कोई भी इमूवेबल एसेट्स को खरीदना या बेचना अब क्लाइंट मनी को मैनेज करना उसके क्लाइंट के सिक्योरिटीज़ को और उसके अदर एसेट्स को मैनेज करना बैंक को मैनेज करना और सेविंग्स और सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स को भी मैनेज करना एम्बिट ऑफ पी एम एल एल्सो इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स और पी एम एल ए में कौन कौन से इंडिविजुअल्स और आते हैं फंक्शनिंग एज फॉर्मेशन एजेंट्स ऑफ कंपनीज़ और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स तो कोई भी अगर कंपनी का कोई फॉर्मेशन एजेंट है तो वो आ जाएगा कंपनी या एल एल पी इसका जो फॉर्मेशन एजेंट है उसका जो फंक्शनिंग है उस वो आ जाएगा एक्टिंग एज डायरेक्टर एज सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी कोई भी इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी है किसी कंपनी का वो भी पी एम एल ए में आ जाएगा कोई भी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड द कंपनी विद एन ऑफिस और कॉरस्पॉन्डेंट एज एड्रेस कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर वो कंपनी के लिए जगह देता है ऑफिस का स्पेस देता है या कोरोस्पॉेंट्स एड्रेस देता है तो वो भी पी एम एल ए के अंदर में आ जाएगा एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ एन एक्सपर्ट एक्सप्रेस ट्रस्ट या कोई भी ट्रस्ट का अगर ट्रस्टी है या किसी किसी भी शेयर होल्डर का नॉमिनी है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सनस वो सारे के सारे पी एम एल ए के अंदर आ जाएंगे PMLA was enacted in 2002 in response to India's global commitment including Vienna Convention to combat मनी लॉन्ड्रिंग सो ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल कमिटमेंट में क्या हुआ था वीना कन्वेंशन हुआ था और कन्वेंशन के साथ साथ ये पी भी इनैक्ट कर दिया था जोश जोश में पी एम एल ए वॉज इनेक्टेड इन टू थाउजेंड टू इन रेस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट इंक्लूडिंग वीना कन्वेंशन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग अभी यह जोश जोश में तो दो हज़ार दो में यूपीए गवर्नमेंट ने कर दिया था है ना लेकिन <laughs> उसके बाद फिर क्या हुआ अभी उसका इस्तेमाल बंदर के हाथ में अस्त्रुआ लग गया है तो उसका मिस यूज़ उस कर रहे हैं अभी लोग समझ में आया फिर पी एम एल ए इनेबल्स अथॉरिटीज टू कॉन्फिस्केस्ट प्रॉपर्टी अर्न फ्रॉम इ लीगली गेंड प्रोसीड्स तो कोई भी इलीगली गेंड प्रोसीड्स है ना तो उसके सारे प्रॉपर्टी को पी के अंदर में जब्त किया जा सकता है कॉन्फिस्केट किया जा सकता है ED अ financial इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू enforces PMLA. So PMLA सो पी एम एल ए अगर का केस लगता है किसी पे तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर एक ऑफिस है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट Enf डायरेक्टोरेट वही इस पर एक्शन लेता है तो अभी सुनते हो ना ईडी पहुंचा देंगे ईडी का छापा मार जाएगा तो वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है और एक फिनेंशियल इवेस्टिगेशन एजेंसी है तो एक आपका लेते हैं पी एम ए टू थाउजेंड टू प्रवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड टू रीसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइड चेंजेस टू पी एम एल ए टू थाउजेंड टू न्यू रूल pmla 2002 has brought in practicing cs company secretaries cost and works accountants carrying out financial transactions on behalf of the clients into the ambit of pmla under pmla 2002 financial transactions that would be considered for monitoring include buying and selling of immovable property managing of client money securities and other assets management of bank savings or securities accounts etc Ambit of PMLA also includes individuals functioning as formation agents of companies or LLPs, acting as director or secretary of a company, who provide the company with an office or correspondence address, acting as trustee of an expert, express trust or nominee shareholders on behalf of other persons. PMLA was enacted in 2002 in response to India's global commitment, including VENA convention, to combat money laundering. PMLA enables authorities to confiscate property earned from illegally gained sources, proceeds, and a financial investigation agency under Department of രവീനു എൻഫോർസീഎ